के बाहर आने से डर रही है ममता सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फटाफट से उन मेहमानों से मैं परिचय करवा देती हूं। सिद्धार्थ यादव जी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनिजेश अवस्थी जी बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय सरकार लीडर है टीएमसी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोलकाता से सीधा दिनेश वार्ष्णेय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लीडर है सीपीआई के। और पवन पटेल लीडर है कांग्रेस के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले संजय सरकार जी, आप ही से मेरा सवाल है कि क्या रक्त चरित्र ही बंगाल का चरित्र? कहां से शुरू करेंगे? आपको एनआईए से स्टार्ट करता हूं। जो भूपति नगर में जो घटना घटी है, पूर्व मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर क्या हुआ था, रात में एनआईए अचानक घुस गए और घुसने महिला को ऊपर में पहले अत्याचार चालू कर दिया था वहां पर, और उसके बाद में मनोव्रतो और मनोव्रतो का जो बेटा है मनोजीत, अच्छा। मनोजीत तो इस साल 10 मतलब जो 10th के एग्जाम दिया है इस बार में, उसको उठा के लेके जा रहा था। तब महिला लोग क्या करेंगे बोलिए? महिला लोग जब एक कट्टा हुआ, उसको मैं प्रोटेस्ट करना चालू किया था तो अच्छा। मनोजीत को छोड़ दिया था। 16 साल का बच्चा जो अभी आपको क्लास 10 के एग्जाम दिए हैं उसके हिसाब से, और वहाँ का महिला को साथ में जिस तरह से उत्पीड़न हुए हैं, जिस तरह से बदसुलूकी किया गया एनआईए ने किया है, ये बोलने लायक नहीं है। नंबर टू आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को नेता 26 मार्च को दिन एनआईए को जो एसपी है धनराम सिंह को घर में शाम को पहुंचे हैं, 52 मिनट मीटिंग किया है और बड़े गिफ्ट का तोहफा लेकर उसको घर में गया था एनआईए को जो यहाँ एसपी है धनराम सिंह को घर में। मैं हकीकत आपको बता, और लोकेश चटर्जी के बारे में बता रहा है, लास्ट असेंबली इलेक्शन में चुचुरा में क्या हुआ था, अपना शीशा खुद तोड़े हैं गाड़ी का, खुद अपना गाड़ी का शीशा खुद तोड़े हैं, तोड़ के दिखा रहे हैं। और मैं जितना खबर अपने को मिला है, लोकेश चटर्जी वहां पर कैंडिडेट होते हैं, भारतीय जनता पार्टियों को जो पुराना जो कार्यकर्ता वो काफी नाराजी थे और नाराजी में वहां पर उसको खिलाफ में एजिटेशन कर रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है और अपना गोटबाजी अच्छा। हो रहा है। इससे तृणमूल कांग्रेस से कोई मतलब लेना हाँ। देना है ही नहीं है। और सबसे बड़ा मैं आपको चैनल के माध्यम से, तृणमूल कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है सिद्धार्थ यादव जी, ये दरअसल आप ही लोगों का खेला है। आप लोग भले ही आरोप लगा रहे हैं टीएमसी पर कि टीएमसी खेला कर रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये दरअसल आप ही, उनका कोई लेना देना नहीं है, ये जो भी करवा रहे हैं आप लोग करवा रहे हैं। 10 सेकंड समय दीजिए हिमानी जी। ठीक है संजय जी, आपका पॉइंट आ गया है। अब जरा सिद्धार्थ जी पर आपने आरोप लगाया, उनकी पार्टी पर आरोप लगाया, तो जरा एक बार जवाब ले लेते हैं। 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड में हम खत्म कर देंगे, 10 सेकंड में हम खत्म कर देंगे, 10 सेकंड दीजिए। और जिस आका के ममता दीदी का राज नहीं है यहाँ पे कि आप जो चाहेंगे करते रहेंगे, कानून है, कोई डिबेट का भी डेकोरम है, सुन लीजिए। आका का राज ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है सिद्धार्थ जी, आ रही हूँ। एक बार 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड में और क्या बोलते हैं, काम कर रहा है, उसको सत्ता बिल्कुल जाने वाला है और उसको बाद में एनआईए सीबीआई ईडीए क्या करेंगे उसको भी सोचना पड़ेगा। ये 10 सेकंड आपने इसीलिए लिए थे क्या? ये 10 सेकंड आपने इसीलिए लिए थे क्या? और ये पहली बार नहीं है संजय सरकार जी, ये पहली बार नहीं है। और अभी आ रही हूँ धीरे धीरे कर और भी आ रही हूँ। आप तो कह रहे हैं कि वहां पर हुड़दंग मचा दिया, वो तो कहेंगे ही आप, क्योंकि एनआईए पर आप लोगों ने एफआईआर कर दी है। लेकिन जरा एक बार सिद्धार्थ जी से जवाब ले लेती हूँ, जो आरोप आप उन पर और उनकी पार्टी पर लगा रहे हैं। सिद्धार्थ जी, हिमानी जी, बंगाल की धरती में आज लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। ममता सरकार के नेतृत्व में लोकतंत्र, इस देश का संविधान तार तार किया जा चुका है, कोई संदेह नहीं बचा। ये टेलीविजन पर बैठ करके बता रहे हैं कि किसने गाड़ी खुद की खोल ली, मतलब वहां पर देश की एक सांसद सुरक्षित नहीं है और शेख शाहजहां सुरक्षित है। ये बंगाल का कानून है? ये कौन से किस देश का कानून है? ये भारतीय संविधान के तहत भारत की एक महिला सांसद पर हमला हो जाए और देश की केंद्रीय की एजेंसियां वहां पर राशन चोरों पर, वहां पर माफियाओं पर अगर कार्रवाई करने पहुंचे तो उनको संरक्षण ममता की सरकार देगी। मैं मानता हूं कि आज इस देश में जितना ये अवार्ड वापसी गैंग था, जंतर मंतर गैंग था, लोकतंत्र बचाओ गैंग था, ये कहां सो रहा है? ये जग के क्यों नहीं आता? ये क्यों नहीं बाहर निकल करके आके बोलता कि बंगाल के अंदर जो आज स्थिति बनी हुई है, पहले तो हमने देखा था हिमानी जी कि 2019 में पोस्ट पोल वायलेंस हुई, अब तो प्री पोल वायलेंस, कॉन्टिन्यूअस वायलेंस, वायलेंस पे वायलेंस बंगाल में चल रही है। बंगाल में लोग डरे हुए हैं, लोगों को कुचलने की एक मानसिकता बन चुकी है। और ये देखिए एनआईए पे जो हमला हुआ है मानी जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, एनआईए पे हमला हुआ और उससे पहले कूच बिहार की रैली में ममता जी जाकर के बोलती है, एनआईए के बारे में बोलती है, लोगों को भड़काने का काम करती है और फिर एनआईए पे हमला होने के 6 घंटे बाद फिर से बयान देती है कि अगर ऐसे करोगे तो यही जवाब मिलेगा। बदतमीजी का आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि टेररिज्म, कह रहे हैं कि टीएमसी नेता की पत्नी सिद्धार्थ जी, जवाब बंगाल की जनता देगी।
अफसरों पर वो उस टीम को। सिद्धार्थ जी, एक तो संजय जी आपने अपनी बात रख ली, एक एक कर बात रखते हैं, अभी बाकी मेहमान भी हैं और सबसे पहला मौका मैंने आप ही को दिया, भरपूर मौका दिया आपने, 10 सेकंड और मांगे, मैंने आपको 10 सेकंड भी दिए, लेकिन सर बाकियों को भी तो बोलने दीजिए, ये आपका चुनावी मंच थोड़ी है, ये चुनावी मंच थोड़ी है, रुक जाइए सर, आरोप भी आप ही पर लगेंगे, आप ही कातिल होंगे, आप ही मुंसिफ होंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा ना। लेकिन सिद्धार्थ जी वो ये कह रहे हैं कि टीएमसी नेता के साथ मारपीट का आरोप लगा रहे हैं, उस बच्चे का भी जिक्र वो यहाँ पर कर रहे थे, वो कह रहे बदतमीजी की गई वहां घुसकर। एक सेकंड संजय जी, सिद्धार्थ जी एक बार जवाब दे दे, फिर अवनीश अवस्थी जी का रुख करूं। हिमानी जी, इनकी सच्चाई सबके सामने है, इनकी सच्चाई सबके सामने है, ये किसी के साथ बदसलूकी होनी थी, कुछ बिहार की रैली में ममता जी को पता था क्या? एनआईए के एक्शन से पहले रैली में जाकर के लोगों को भड़काना, बयान देना केंद्र की एजेंसियों के खिलाफ, और फिर होने के बाद तुरंत कोई खबर भी नहीं आई, कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं, और बाद में ऐसा कहना, अरे हमारी देश की एजेंसियां हमारे देश के एक राज्य में इस भारत की भूमि में फ्रीली ऑपरेट नहीं कर सकती, और ये 10 साल के बच्चे को 16 साल के बच्चे की आड़ में छुपना चाहते हैं, कौन सी कार्रवाई, ये कौन सा झूठ है, ये सब कुछ झूठ है मानी जी, इनकी सच्चाई एक्सपोज्ड है, बंगाल की जनता त्रस्त है, देश की जनता देख रही है, और 2024 में इनके इस काले कानून का अंत होना जरूरी है, वो अंत होने की अब आवश्यकता हो चुकी है, क्योंकि भारत संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, कानून से चलेगा, वो लगातार ठीक है सिद्धार्थ जी। हाँ ठीक है सिद्धार्थ जी, लौटूंगी, लेकिन आप लीजिए अवस्थी जी, एक और बड़ा आरोप जो दीदी लगा रही है, संजय जी प्लीज एक सेकंड, थोड़ा सा शांत। अवनीश अवस्थी जी वो ये कह रही हैं कि 19 तारीख को पोलिंग होगी और 17 तारीख को दंगा होगा, आप देख लीजिएगा, ये क्या कहना चाह रही हैं वो इसके जरिए, या किसी को इशारा दरअसल वो कर रही हैं, वो बार बार रामनवमी का जिक्र भी करती हैं। हिमानी जी बात असल में यही है, पहली बात मैं एनआईए पे करता हूँ, एनआईए कोई सिर्फ पश्चिम बंगाल में ईडी अपनी रेड मारने नहीं गई है, पूरे देश में जाती है, कहीं और कोई शिकायत नहीं आई ना, कहीं कोई हमला नहीं हुआ, ये सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही क्यों हुआ? बिल्कुल ठीक बात है, सैकड़ों जगह वो जाती है छापा मारने, जहां भी उसको इनपुट मिलता है, जहां भी उसको मालूम चलता है कि देश विरोधी जो लोग हैं उनको उनके ऊपर छापा मारने जाती है, सिर्फ एक बात। दूसरी बात, इस देश में जो संविधान की रक्षा करने वाले बात कहते हैं, सरकारी काम में बाधा डालने के लिए देश के संविधान में क्या सजा है? आप बाद में आप जानते हैं कि पुलिस के बाद में, पुलिस के बारे में भी, इवन आर्मी के बारे में भी आप FIR कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, लेकिन हमला नहीं कर सकते वर्दी वालों पर, खुद हमला खुद कानून हाथ में नहीं ले सकते आप, ये बड़ी साफ सी बात है। तीसरी बात जो आपने कहा रामनवमी के बारे में, ये रामनवमी मुझे मालूम है कि पश्चिम बंगाल में भैया देखा, ये हिमानी जी देख लिया ना, एक व्यक्ति जो है नॉन स्टॉप बोले जा रहा है ये आदमी कैसे चलेगा? संजय जी प्लीज बंद करिए इसको, बाहर करिए इसको। संजय जी किस तरह की बात कर रहे हैं आप, प्लीज, एक डेकोरम होता है, जब आपकी बारी आएगी तब आप कहिएगा, आपको काउंटर रिएक्शन देना है तो आप पहले सुन तो लीजिए, तभी तो काउंटर भी कर पाएंगे कि नहीं, आप सुन तो लीजिए पहले, तो जवाब तो देना पड़ेगा ना आपको कि क्यों होता है हर बार बंगाल में ईडी की टीम आती है उस पर हमला होता है, एनआईए आती है उस पर हमला होता है, एक सांसद को आप घेर लेते हैं, एक सांसद जिस पर आप उस पर अभद्र टिप्पणी करते हैं 2 दिन पहले, और फिर उसके बाद उसकी कार में घुसने, क्या क्या करना क्या चाह रहे थे आप, पहले तो आप ये बता दीजिए, एक महिला मुख्यमंत्री जिस प्रदेश की हो कम से कम वहां पर तो इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है आपको। अब चुप हो जाइए संजय जी, पहले एक बार अवस्थी जी को कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप काउंटर रिएक्शन दीजिएगा, अभी 2 मेहमान और बाकी हैं मेरे साथ। हिमानी जी ये कोई पहला मुद्दा नहीं है, हनुमान जयंती हो, दुर्गा मूर्ति विसर्जन हो, रामनवमी हो, इन तमाम मौकों पर वहां पर हिंसा होती रही है, जो भी शोभा यात्रा निकलती है उस पर पत्थरबाजी होती है। हैरत की बात है कि इस देश में वो तमाम लोग जो संविधान, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देते रहते हैं, वो कहते हैं कि ये इलाका नहीं है, इस इलाके में से मत निकलो आप, ये इस इलाके में से कैसे शोभा यात्रा